हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। रंगोली क्लास का 26th डे चल रहा है। संस्कार भारती रंगोली के डिजाइन सीखेंगे। इसमें जो आपको रेड, येलो और ऑरेंज का शेड दिख रहा है वो कैसे बनाते हैं, मैं आज वो बताऊंगी। पहले हमने ब्लू कलर लिया, वो हमको सेंटर में जैसे राउंड बनाते सिखाया था। पहले राउंड बनाया, उसमें पहले ब्लू, फिर उसके बाद में पर्पल, और उसके बाद में हमने कलर भरा पिंक का। ऐसे राउंड कंप्लीट कलर भर लिए, उसके बाद में हम डिजाइन बना रहे हैं उसके ऊपर। आज हम ऐसी डिजाइन बनाएंगे कि वो कोई भी बना सकता है। इन द सेंस कोई दिवाली नहीं, कोई भी फेस्टिवल में आप ये बना सकते हैं। कोई बीच वाली जो डिजाइन है आप कोई भी फेस्टिवल में बना सकते हो। एकदम सिंपल सी डिजाइन बता रही हूँ और बहुत अच्छी लगती है बनने के बाद। कोई इसके अंदर वो नहीं रखे हुआ है हमने, सिमिलैरिटीज इधर उधर, बस ऐसे सिंपल सी एक डिज़ाइन बना रहे। वो आप भी बना सकते हो, इसलिए मैंने ये एक सिंपल डिज़ाइन बताई। काफ़ी लोग बोलते नहीं मैम हमको ऐसे नहीं चाहिए, दिवाली वाली नहीं चाहिए, दशहरे वाली नहीं चाहिए। हाँ, कभी भी बना सके ऐसी वाली रंगोली चाहिए। तो मैं सेंटर वाला पोर्शन आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। दिया बना सकते हो, हैप्पी दशहरा लिख सकते हो, हैप्पी दिवाली लिख सकते हो, हैप्पी दुर्गा पूजा लिख सकते हो, एज यू विश। मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, या आप ये डिज़ाइन के इतना ही रंगोली भी बना सकते हो। जो सेंटर का ब्लू, पर्पल और पिंक वाला है उतनी भी आप छोटी रंगोली बना सकते हो। पर आज का मेन मोटो ये था कि कैसे आप तीन कलर के डिफरेंट कलर्स एक साथ में कैसे भर सकते हो, वो सीखना है हमको। क्योंकि हमने कलर भरना सीखा छलनी से, उसके बाद में हमने आपको फवारा भी, वैसे तो 2 वीडियो भेजे थे फवारे के, वो मैं और भी सिखाऊंगी आपको फवारा। अभी 4 दिन बचे हमारे पास क्लास के, तो आप सीखेंगे। पर इस फेस्टिवल में आप ये रंगोली बनाइए तो बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि इसमें सब कलर का कॉम्बिनेशन होता है। हमारी सेंटर की डिज़ाइन लगभग फिनिश हो रही है, देखिए। अब मैंने आपको बताना है कि कैसे हमने छन्नी ली, और छन्नी के नीचे हमने प्लेट रखी है, ठीक है। वो ज़रूरी है रखना प्लेट, नहीं तो कलर्स नीचे गिरेंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि कैसे हम दिया बनाते हैं, तो वैसे ही अभी यहाँ पे हमने कलरफुल कलर्स लिए हैं। मैंने रेड, येलो और ऑरेंज लिया है, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखता है। आपने उल्टा भी ले सकते हो, जो अपन ने अंदर भरा ना वो कॉम्बिनेशन आप बाहर ले सकते हो, और बाहर भरे हुआ कॉम्बिनेशन अंदर ले सकते हो। ये देखिए, अभी बस आपको ऐसे, अभी ये पतली छलनी है तो 2 बार ठक करना पड़ता है, या फिर जोर से ठक ठक करके आपको इसको ऐसे गिराना है नीचे, और आपका ऐसा कलर शेड्स बनते जाएंगे। पूरे हमको सब तरफ इसी टाइप से कलर शेड फील करने हैं। पूरा जो स्क्वायर बनाया हुआ है हमने, उसमें हम ऐसे जब खत्म हो जाएंगा तो फिर भरेंगे। और सपोज वो बोल रहे हो आप मिक्स हो रहा है, तो कोई नहीं, करते जाओ ठक ठक, मिक्स होए हुआ भी अच्छा दिखता है। कहाँ कहाँ पैचेस अलग अलग दिखेंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं जाती, बस आपको ऐसे शेड पूरा भरना है, ठीक है। अभी देखो ऑरेंज कलर पतला था तो वो पूरा निकल गया, रेड और येलो थोड़े मोटे है कलर। इस टाइप से हम इसको पूरा किए। अब यहाँ डिज़ाइन बना रहे हैं हम, तो जैसे सेंटर में अभी चक्री के आसपास में हमने ऐसी डिज़ाइन बनाई, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बाहर साइड में इस डिज़ाइन बना रही हूँ। जो डिज़ाइन बनाई वो सफाई से रही तो ही रंगोली अच्छी दिखती है। कलर भरने से भी ज़्यादा मायने रखता है उसके ऊपर डिज़ाइन बनाना, या फिर सिर्फ कलर भर दो तो कभी कभी रंगोली अच्छी लगती है। जैसे ये वाली रंगोली, अभी आपने कलर भरा और वो रंगोली का जो उठावदारनेस है वो इस वजह से आएगा। बहुत सिंपल गोपद और चक्री की डिज़ाइन बनाई है, और यही पैटर्न हम चारों तरफ बनाएंगे। अब मैं नीचे एक शंख पैटर्न ले रही थी, पर शंख को मैंने, देखिए अभी हम शंख बनाते वैसे बना रहे, और उस शंख को मैंने मोर में कन्वर्ट किया। देखो ऐसा बड़ा तुर्रा बनाएंगे यहाँ पे एक ऊपर तक के, उसके बाद में उसमें डॉट्स दिए ऊपर। मोर का जो पंख होता है वो, उसके लिए छोटे तुरे बनाए, इसको गोल कर दिया और यहाँ से इसकी चोंच बना दी। इस टाइप से छोटा सा मोर हमने इधर इसे बनाया, यानी स्मॉल मोर। आप इसकी जगह दूसरी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब दिवाली फेस्टिवल नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे मैं दिवाली का लुक दे रही हूँ रंगोली को। ये हमारा दिया, दिए के आपको बहुत सारी डिज़ाइन, आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था आपके लिए कि बहुत सारे अलग अलग दिए कैसे बनाते हैं, छोटे बड़े बड़े एकदम बड़े,
कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया था। ये देखिए हमारा सिंपल डिज़ाइन, हम चारों तरफ ये ख़त्म फिनिश करेंगे। उसके बाद में आखिरी में हम करेंगे यहाँ पे फिनिश करेंगे, थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन को मिक्स कीवा कलर है ये, या आप बोल सकते हो येल्लो कलर भी थोड़ा मिक्स था उसके अंदर, ऐसा कम्बाइन कलर मैंने नीचे यूज़ किया है। आप डायरेक्टली डार्क या लाइट ग्रीन इस्तेमाल कर सकते हो, और फिर थोड़ा सा डार्क ग्रीन लिया जो यूज़ किया है नीचे उससे, और छलनी से सिर्फ ठक ठक करते हमने देखिए इसे पूरा हमने इस पर पैचेस बनाए, क्योंकि हमारा अंदर वाला जो भी है वो भी पैचेस वाला है, इसलिए बाहर वाला भी हमने क्या किया पैच वाला बनाया, टू पैचेस जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ऐसे। और फिर आखिरी में एक सिंपल से डिज़ाइन बना के इस रंगोली को हम इस टाइप से फिनिश करेंगे। अगर रंगोली अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, यानी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आप सीख रहे हैं, ऐसे और भी लोग सीख पाएंगे। तो फिर एक लाइक बटन, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिवाली तक इससे भी सुंदर सुंदर रंगोली आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताना कि रंगोली कैसी लगी, और कोई रंगोली सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट करना, ठीक है, फिर बाय।